जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। फातिमा महिला मंडल प्रेसिडेंट मसरत फातिमा और IHRC मेंबर अब्दुल बसीर ने गणेश फेस्टिवल और मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाय एवरीवन, नमस्ते, शस्त्रीयकल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मसरत फातिमा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और फातिमा महिला मंडल प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। पहले तो आप लोग सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ, जो गणेश चतुर्थी और मिलादुन नबी के मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं अपने फातिमा महिला मंडल की तरफ से। ख़ास मैं आवाम को ये मैसेज देना चाह रही, मिलादुन नबी का पूरा आप लोग यानी कि एंजॉय करिए, लेकिन इस तरीके से करिए जितना हो सके आप लोग ईद खुशी से मनाइए, लेकिन कुछ उसके हुकूक़ जो है वो अपन देख सोच समझ के आप लोग पैसा खर्च करिए, ताकि वो पैसों से किसी का घर चल सके, किसी की मदद हो सके। जैसा कई लोग हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए तड़प रहे, यानी कि कई लोग हमको फ़ोन करते, मैडम आपके ज़रिए कुछ हेल्प हो सके तो करिए बोल के, हमारे से जो हो सका हम कर रहे। लेकिन आप लोग का भी एक मोमिन हो के, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहो, आपस में हम सब भाई ही बहन हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो भी पैसा आप लोग फजूल खर्च मत करिए। जैसा हॉस्पिटलाइज्ड है उन लोग को मदद करिए, या अपने ख़ानदान में कोई मुस्तहिक है उनको मदद करिए, या किसी को राशन किट पहुंचाइए वो पैसों से, या किसी को ब्लड डोनेट करिए। ऐसे काम करिए जिससे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आए, अपने अल्लाह को भी पसंद आए। और मैं अपने नौजवान भाइयों से भी मैं ख़ास रिक्वेस्ट कर रही, गाड़ियों में पेट्रोल डला के ऐसा बाइक चलाते यानी कि फजूल खर्ची कर रहे, तो अपने माशरे में ये गलत है, ये करना गुनाह है। तो यही पैसा आप कोई गरीब को पहुंचाइए, कोई मुस्तहिक जो है मजबूर है, जैसा किसी को यानी कि राशन के लिए तड़प रहे, कोई फ़ीस के लिए बच्चा पढ़ना भी चाहे तो क्या है, वो लोग के पास अखराजात नहीं निकल सक रहे, वैसे लोगों को जाके आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, आप लोग इसका अजर मिलेगा। गैर ज़रूरी आप लोग अपना वक्त ज़ाया मत करिए, इसमें क्या है जितना हो सके आप लोग मदद करने की कोशिश करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं अब्दुल बसीर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और फातिमा महिला मंडल से, मैं आज आपके सामने मैं इसीलिए कि गणेश चतुर्थी और मिलादुन नबी की मुबारकबाद और ढेर सारी जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके लिए। और एक बात ये भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो भी हमारे पास खर्च कर रहे हैं मिलादुन नबी में या फिर गणेश चतुर्थी में, आपका इख्तियार है, आप बेशुमार खर्च करिए, लेकिन खर्च ऐसी जगह करिए जैसे किसी को सहूलत पहुँचे और किसी का घर चल सके, ऐसे खर्च करिए, इससे भगवान, ईश्वर, खुदा बराबर खुश होंगे आपसे। इस तरीके से खर्च करिए, किसी के उसमें से कुछ निकाल कर आपके, देखिए आप हर हमेशा हज़ारों रुपए नहीं खर्च करते, ये मौके हैं खर्च करने के, तो आप सही जगह जैसा कि राशन किट्स है या फिर जो है ना किसी के फीसेस है, कॉलेज के, स्कूल के फीसेस है, किसी की दवाएं हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई हॉस्पिटल के खर्चे से परेशान है, तो आप इसमें खुद अपन जाकर जो है ना इमदाद करिए, सहूलत पहुंचाइए। और जो है ना मैं एक और एक बात, आजकल का जो माहौल चल रहा है मैं उसके ताल्लुक से कुछ बात पेश करना चाह रहा हूँ कि निकाह होने के बाद, एक साल के बाद या दो साल के बाद, बच्चे बच्चियों को इस तरीके से छोड़ दे रहे हैं कि जाओ अब तुम क्या कर सकते कर लो। बच्चे होने के बाद, अगर बच्चे नहीं रहे फिर भी कोई बात एक बार समझ में आती है कि अगर आप एक दूसरे को पसंद नहीं है, वो नहीं है, बच्चे होने के बाद कहाँ जाएंगी लड़की, उसको दो दो बच्चे हैं, किसी को एक बच्चा है,
छोड़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाइए आप कहाँ क्या कर सकते हैं कर लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल ऑफिस में 10-12 केसेस ऐसे ही है और जो है ना इससे कोई सख्ती नहीं है अब, जैसा कि पहले 498 में सख्ती थी वो बिल्कुल सख्ती नहीं होने की वजह से शायद मुझे लग रहा है कि ये लोग इस तरीके से बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। कहाँ जाएंगे, कौन पालेंगे इनको, इनके माँ बाप अब रिटायरमेंट की उम्र में रहते हैं या फिर भाएँ अपने फैमिलीज में बिजी है, ये बच्चियाँ कहाँ जाएंगे, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी एक अग्रीमेंट है, शादी हमारे निकाह नामे में एक अग्रीमेंट है। मैं ख़ासकर खाजी लोग से गुजारिश करता हूँ, साहब आप लोग ये बताइए लड़के को भी लड़की को भी अच्छी तरीके से कि इसमें क्या क्या एग्रीमेंट है, बच्ची कैसे रहना है बच्चे के साथ और बच्चा कैसे रहना है बच्ची के साथ, कबूल है बोल के जो सिग्नेचर्स करते हैं किस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर्स हो रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग खाजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि निकाह के टाइम पे बताइए और हम सब मुसलमान सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है एग्रीमेंट है। शादी एक एग्रीमेंट है, आपको पसंदीदा चीज़ शौहर को जो पसंदीदा चीज़ है बीवी करना है, बीवी को जो पसंदीदा चीज़ है वो शौहर करना है, ये एग्रीमेंट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये, इससे जो है ना हम बिल्कुल खबरदारी नहीं है, हम लाइल्मी में जी रहे हैं, इसीलिए ये वाक़यात आज पेश आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना मैं देख रहा हूँ कि नौजवान लड़के बिल्कुल जो शादी हुई है साल दो साल में अपने बीवी से, अरे भाई आपको पसंद नहीं है तो पहले तो शादी मत करिए, बच्ची पसंद खुला तलाक होने की एक वजह ये भी है जी, जब शादी तय होने से पहले उनके कुछ अफेयर्स रहते जी जी वालदेन के सामने जी नहीं जी जी नहीं, अगर वैसा रहा तो हमारे पास हमारा ऑफिस है शाली बंडा पिस्ता हाउस के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बाजू तैबा मार्केट में सेकेंड फ्लोर। देखिए आप अपनी बात अपने वालदेन के सामने रखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने वालदेन के, अगर आपके वालदेन नहीं मान रहे तो आप हमसे भी रुजू कर सकते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।